subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello and welcome my lovely stars and my angels. How are you? This is VD and I welcome you all at ADDA247 India's number one educational YouTube channel. फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं आ गया हूं ऑल इंडिया महामॉक डिस्कशन लेके, जो कि आप लोगों का हमने 29 तारीख को मॉक 1 लिया था. ये उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और वो है इंग्लिश का. ठीक है गाइज, 25 क्वेश्चंस आप लोगों की आंखों के सामने आए थे. आई होप आप लोगों ने उसको जो है अच्छी तरह से देखा होगा. काफ़ी बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था. जो बच्चे एग्ज़ाम देने से चूक गए हैं, कोई बात नहीं, वो अब यहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा है इन डिटेल सॉल्यूशन को देखने का, तो आप यहां पर आकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. ठीक है गाइज, तो मैं जो उस 25 क्वेश्चंस में से जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कोई सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसको तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो कंसेप्ट वाला है, जिसके ऊपर आप लोगों को 100% कंसेप्ट की जरूरत है, उस चीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा और वो मैं यहां पर आपके सामने रख दूंगा. ठीक है गाइज, तो जल्दी से एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाइए कि कौन कौन बच्चा जो है अभी मुझे देख रहा होगा. शायद लो है, आप इसको फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए. जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे गाइज, उतना ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा कि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ओके, वेल, अभी मैं देख रहा हूँ निशांत नकरा मेरे साथ हैं, दीप्ति सैनी है, आदव काद्यान है, सोनू चौहान है और मेघनंदा प्रधान है. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, आप लोगों में से जितने बच्चे भी अभी मुझे देख रहे हैं, आप में से किस किस ने जो है वो मॉक टेस्ट दिया था, जल्दी बताइए यार. आज तो बहुत स्टूडेंट हमारे पास और ज़्यादा जुड़ने चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. देखिए, इसका डिस्कशन का फायदा क्या है, क्यों आपको ये डिस्कशन देखना चाहिए. आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया तो अब आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं, एक दो यू कैन से आंसर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको अभी के अभी यहीं क्लियर कर दूंगा. मेरे पास उसका हार्ड कॉपी है, ये आपके सामने मैं बता दूंगा. ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं. आकांक्षा मिरांडा, ओके, सत्यजीत गुप्ता आ गए हैं, वेरी गुड. इंग्लिश से डर लगता है भाई, इंग्लिश से तो डर नहीं लगता, इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए. इंग्लिश कोई शेर नहीं है, एक सिंपल सी एक लैंग्वेज है, प्यारी लैंग्वेज है, आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए. ठीक है गाइज, ओके, वेल, कोई बात नहीं. जो बच्चे अभी बोल रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया था तो आपको क्या करना है, आपको बस मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अब दे देने हैं. इन डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइज. आपका एग्जाम आ रहा है, राइट, तो एग्जाम को अच्छी तरह से आप जो है इसको कर लीजिए, राइट गाइज. तो आगे चलते हैं. कंप्यूटर महोदय, जल्दी से एक बार जो है मुझे दिखा दीजिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है. ये आपका पहला क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है गाइज, ये आपका पहला पार्ट था. अगर मैं बात करूं, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है उसमें आपका, स्टेयरिंग एट अ पिक्चर ऑफ ए सम्प्टुअस फीस्ट फॉर आवर्स विल डू नथिंग टू सेशिएट माई हंगर. ठीक है ना, मैं इसको यहां से थोड़ा सा रबी कर देता हूं. ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना. ये लीजिए, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना. वेल, हमारे साथ काफी स्टूडेंट अभी जुड़ चुके हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम के टाइम प्रेशर से बोल दिया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. जल्दी से स्टूडेंट सारे आ जाइए फटाफट. ओके, जितना गाइस जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना. अच्छा, आपने बोला इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा. सत्यजीत गुप्ता ने इसका आंसर दिया है सी, आकांक्षा मिरांडा ने सी दिया है. देखो, कभी भी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई आप जंबल सेंटेंस कर रहे हो, सबसे पहले आप उसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होता है, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो आपका सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा. वो आपका एक एक्ट करता है, वो आपके हेल्म पे होता है, वो होता है कैप्टन ऑफ द शिप, जो जहाज को चलाने वाला है ना, वो फर्स्ट सेंटेंस आपका एट द हेल्म होता है. आई होप अब आपको ये मीनिंग पता है. जो वोकैबुलरी बुलेट्स में आते होंगे उनको पता होगा कि हाँ सर, हमें ये मीनिंग पता है एट द हेल्म क्या होता है. कैप्टन ऑफ द शिप को आपको सबसे पहले देखना है. स्टेयरिंग एट अ पिक्चर, अब देखिए S है, Q है, P है, R है, यानी आपने अगर एक भी अगर ढंग से आपने पहला क्वेश्चन ही आंसर ही अगर आपने देख लिया, पहला लाइन ही अगर आपने बता दिया, तो आपका आंसर अपने आप ठीक हो जाएगा. आपको दो में चॉइस ही नहीं है, या तो S होगा या Q है पहला, या ऑप्शन में देखा P है या R है.
तो स्टेयरिंग एट अ पिक्चर, ये एक पहला सेंटेंस हो सकता है, इंडिपेंडेंट लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स, जिंदगी में कभी आपका क्यों जो है ये गाइज, आप लोगों का ये जो क्यों है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन नहीं सकता, ध्यान से रखिए, ठीक है ना। रजत कंबोज जी आ गए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ ये वेली गुड सत्यजीत गुप्ता, आपका क्यों आपका को जो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया। हाँ एलिमिनेट करके क्यों करना है, नहीं नहीं आप ये बात देखिए, हाँ एलिमिनेट कर रहा हूं, देखिए ना, ये आपका ऑफ कोर्स जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। इन द सेम वे, अब यहां पे क्या आया हुआ है, इन द सेम वे आया हुआ है। गाइस मेरी बात सुनिए, इन द सेम वे कौन सा सेम वे, इसका मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस है, जिंदगी में कभी आपका आर आंसर नहीं हो सकता। As soon as the internet reached the mainstream India, the gurus began questioning people. लेकिन इस वाले S sentence से अच्छा जो है आप लोगों का sentence जो P है, समझ में आया ना, P जो है वो एक independent sentence की तरह काम कर रहा है। अगर आपको पता चल गया कि देखिए P staring at a picture of a sumptuous, अब यहाँ पे एक vocabulary bullet आपको मिला, यहाँ पे आपको मिला क्या, यहाँ पर आपको मिला sumptuous। कौन बच्चा मुझे बताएगा, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक पोस्टमार्टम पूरे क्वेश्चन का नहीं कर दूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। Sumptuous का मीनिंग अब आप मुझे बताओगे क्या होता है, S U M P T U O U S, sumptuous, जल्दी बताइए, इसका मीनिंग होता है लग्जूरियस। Sumptuous का मीनिंग क्या होता है, वो होता है लग्जूरियस। Sumptuous डिनर, फीस्ट, है ना, भोजन की बात कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। अब sumptuous को सिर्फ मैं डिनर के लिए नहीं यूज करता, मैं उसको अपने अटायर के लिए भी यूज करता हूं, समझ में आया कि नहीं, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए शाबाश, अब ये आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 76 का जो है ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सी हो जाएगा। तो पी आर एस और क्यू, ये आपका आंसर होता है। जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, एटलीस्ट इसको अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से आप मुझे थम्स अप दिखा दीजिए और यार शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना। जितने अभी देख रहे हैं कम से कम एक एक स्टूडेंट को जरूर बुला लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 70 अगला क्वेश्चन जो है वो जरा बच्चों के सामने रख दिया जाए कंप्यूटर महोदय। ये था आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का एक इडियम है। देखूं आप लोगों में से कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा। कंप्यूटर महोदय हाँ अभी इतना ही रखिए, चलिए टाइमर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, टाइमर को अभी ये लोगों तो ऑलरेडी कर रखा है ना इसको, तो इसको हम देख लेंगे। देखें अरे कोई भी चीज़ है यार, 35-40 मिनट ये का होगा, इसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूंगा, तो क्यों ना इसको देख के अच्छी तरह से काम कर लिया जाए, ठीक है ना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड कौन मुझे बताएगा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है आपका सम टाइम इंटरेस्टेड सम टाइम नॉट, ये इसका मीनिंग होता है, समझ में आया, ब्लो हॉट एंड कोल्ड राइट, ये आपका मीनिंग होता है। एक आप क्वेश्चन ये आप लोगों का आया हुआ था, अ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट, ये तो हो नहीं सकता। टू बोस्ट और ब्रैग, ये भी नहीं हो सकता। विजिलेंट एंड केयरफुल, ये भी मैंने इसको क्या मीनिंग बताया, सम टाइम इंटरेस्टेड सम टाइम नॉट, कई बार आपको सपोर्ट करेगा कई बार अपोज करेगा, ये वाला डी इसका मीनिंग हो जाएगा। ही इज ब्लोइंग, ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, ठीक है ना, डी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलो ठीक है प्रधान जी, अच्छी बात है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस बात समझ में आने की होती है, एक टीचर के साथ आपका सबसे पहले बॉन्ड होना चाहिए, अगर वो बॉन्ड आप लोगों का बन गया है फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर चाहे मुश्किल चीज़ें भी हों चाहे आसान हो फिर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना गाइज, ये हो जाएगा। थोड़ा साउंड को एक बार देख लीजिए कंप्यूटर महोदय, बच्चे बोल रहे हैं साउंड के लिए, साउंड अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार, वॉइस इंक्रीज कर दो सर, बच्चे बोल रहे हैं। आई होप आपको आवाज आ रहा है मेरा, अभी एक बार मुझे थम्स अप कर देंगे कि सर हमें आवाज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अब आप लोगों को इसमें से एरर बताना है, देखूंगा कौन सा बच्चा मुझे इसमें से एरर बताएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखेंगे क्या इसका आंसर आता है। ऑल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चे तो इतने रेगुलर रहते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको देख के, और अगर आप लोग भी सारे रेगुलर हो जाएंगे ना, राइट
हाँ आपको ये जो हमारा ऐप है उस पर आपको मिलेगा ये, ठीक है, मॉक टेस्ट 1 आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, ठीक है गाइज। इसका पीडीएफ जो होगा वो मैं अपने टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से फिर इसको नोट कर सकते हो। तो इंग्लिश सेक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। हमारे सुबह संदीप सर थे, उन्होंने मैथ लिया था, कमलदीप सर ने रीजनिंग लिया है, इंग्लिश का भी मैं ले रहा हूँ, इस तरह से चल रहा है ये, राइट गाइज। बहुत बड़े सत्यजीत गुप्ता ने अच्छा आंसर दिया है, देखिए ये अगर मैं बात करूँ, नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ पॉपुलर फीलिंग एट दैट पीरियड द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट ए क्लेम, सब्सटेंशिएट का ये मीनिंग होता है, टू सपोर्ट ए क्लेम, किसी भी क्लेम को सपोर्ट करना, सब्सटेंशिएट करना, ठीक है गाइज, और या किसी चीज को सच बताना कि यह चीज सच है, सब्सटेंशिएट करना, इज इट क्लियर और नॉट, टू शो समथिंग टू बी ट्रू, और एक और अब ये लिख लीजिए, याद से लिख लीजिए, टू शो समथिंग टू बी ट्रू, बस ये आपका पोस्टमार्टम होता है और क्या, ये पोस्टमार्टम है, क्लियर हुआ ना, नहीं स्किप नहीं करना आकांक्षा, स्किप नहीं करना, हमें पढ़ना है इसको, देखते हैं, ये आपका सब्सटेंशिएट का मीनिंग होता है जो कि एक वर्ब होता है, तो टू के बाद कभी भी V1 प्लस ING नहीं लगता, एक V1 लगता है, ये लगता तो है लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, और गाइज इनसे क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूं आपको, अडिक्टेड टू, ये ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, आप हमेशा इसको ऐसे ही बोलते हो, ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्योंकि ये आपको पता है, अडिक्टेड टू स्मोकिंग, अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, अडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये पता है आपको, ये कभी यूज नहीं करते इसलिए नहीं पता, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। जितने बच्चे भी देख रहे हैं, फॉर गॉड सेक एक बार जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, जो ये बी पार्ट है आप लोगों का, इस बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टू के साथ जो है, अगर मैं देखूंगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है ING, तो ये ING नहीं आएगा यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर सब्सटेंशिएट आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये आपका वॉइस रिलेटेड है, मैंने बताया ना, मैंने वो टफ क्वेश्चन सारे ले लिए हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर महोदय एक बार मैं देखना चाहता हूं, जितने बच्चे भी मुझे अभी देख रहे हैं तो क्या ये बता पाएंगे, जरा 30 सेकंड का टाइमर दिया इनको। हाँ हाँ, इसमें एक क्वेश्चन में देखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, पीपीटी हटा दीजिए एक बार। हाँ, अब टाइमर के साथ लेके आना इसको, ठीक है, देखते हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ जिन बच्चों ने नहीं दिया क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं, और आपको थोड़ा सा वॉइस करने का टेक्निक बताता हूँ अभी, जल्दी से आप एक बार थोड़ा सा वॉइस करने का टेक्निक बताऊंगा क्या। देखिए गाइज, ये अगर आप चीजें देख रहे हो, एक्टिव वॉइस से आपको एक्टिव पैसिव में या आपको पैसिव एक्टिव में चेंज करना है, चारों के चारों ऑप्शंस को एक बार देखिए, तो वहां पे लिखा हुआ है ऑल दोज हु वर इन द मिडिल एजेस डिनाइड, यहां पर क्या आ गया आपका, डिनाइड आ गया, DENIED, डिनाइड, क्लियर हुआ। डिनाइड क्या होता है, V2 होता है, अब डिनाइड V2 होता है, तो पैसिव वॉइस में जो V2 होता है वो आपका या तो वॉज में यूज होता है या वर में जाता है प्लस V3 होता है, इतनी बात से मेरे साथ सहमत हो के नहीं हो, या तो आपका वॉज में आएगा या वर में आएगा, जो डिनाइड है V2 जो है ये आपका या तो आपका वॉज आएगा या आपका वर आएगा प्लस आपका V3 हो जाएगा। आई होप यू गॉट नाउ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। वेल अब देखिए, आप लोगों ने देखना वहां पे वॉज डिनाइड एक मेरे ए में लिखा हुआ है, वॉज डिनाइड बाय 2 में लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं डिनाइड 3rd में है ही नहीं और 4th में है, यानी आंसर आपका या तो ए होगा या बी होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या तो आपका आंसर ए है या आपका आंसर बी है। द सब्सटेंशियल प्रेजेंस ऑफ द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट वॉज डिनाइड बाई ऑल दोज हु, एक तो इस सेंटेंस में ना, यहाँ पर ऊपर तो मैंने इसमें जो आपको ये मिला हुआ है इसमें ऑलरेडी ये गलत है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो मैंने ठीक कर दिया था, ऑल दोज हु वर, हु के साथ कभी भी वहां पर वाज नहीं आएगा, वो वहां पर वर ही आएगा, ठीक है ना गाइज, ये आप जरूर ठीक कर लीजिएगा, अगर आपने ये एग्जाम दिया हो तो वहां पर ये टाइपिंग एरर आ रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है कि वहां पर आपको वॉज लिखा हुआ है, ऊपर वाले में क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया था, नीचे फिर ये रह गया, हु वर आएगा, हु वर इन द मिडिल एजेस,
आई होप यू गॉट नाउ। अगर आप लोगों को पता हो कि मैंने आप लोगों को ये हु वाज आएगा यहाँ, वाज आप यहाँ पर नहीं आएगा, वर आएगा, जल्दी से मुझे एक बार बताइए कि हमें समझ में आ गया है। कम ऑन हरियाप। सब्सटेंशियल प्रेजेंस ऑफ द ब्लड एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट वॉज डिनाइड बाय ऑल दोज, ये देखो ना ऑल, फिर ये दोज जो है ना, ये दोज हु के बाद दोज के लिए प्लूरल आएगा, वर आएगा यहाँ पर, वॉज नहीं आएगा। तो आप प्लीज इसको ठीक कर लीजिए। देन ए इज करेक्ट, आकांक्षा मिरांडा बोल रहे हैं ए करेक्ट है, समझ में आया ना। शाबाश, थैंक यू सत्यजीत जी, सत्यजीत गुप्ता ने ऐसे किया, इसका मतलब वो समझ रहे होंगे कि यार यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, और जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा गहराई से पढ़ रहा होगा वो अपने आप उसको चीज़ें क्लिक करेंगे, समझ में आया, क्लिक करेंगे इन चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ आपको। और डोंट वरी, लेट वेट कुछ नहीं होता, जल्दी आ जाइए बस, कम ऑन हरी आप, बस जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और बच्चे ताकि हमारे साथ जुड़ जाएं। वेल आगे देखते हैं अभी इसमें गाइज, तो ये ए आप इसका ऑप्शन क्लियर, आपका क्लियर कट बन जाएगा, ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन आपका 100% बन जाएगा, बाकी और कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, इन द क्राइस्ट, अच्छा ये बताओ मुझे यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है यहां पर यूकरिस्ट, यूकरिस्ट का मीनिंग क्या होता है कोई बताएगा। हेलो, जितने बच्चे भी यहां पर देख रहे हैं मुझे, वहां पर लिखा हुआ यूकरिस्ट लिखा हुआ है, EUCHARIST, यूकरिस्ट इसको बोला जाता है, यूकरिस्ट ये लिखा हुआ है जो ये एक और वोकैबुलरी बुलेट्स दे रहा हूं आपको। यूकरिस्ट का मतलब क्या होता है जरा कोई बताए मुझे। ये होता है आपकी क्रिश्चियन सेरेमनी, क्या बोलते हैं इसको, ए क्रिश्चियन सेरेमनी, अ क्रिश्चियन सेरेमनी, ये आपका यूक्रिस्ट इसको बोला जाता है, गॉट इट, यूक्रिस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है ना, तो ध्यान से सुन लेना इसको। वेल अगला क्वेश्चन जरा कंप्यूटर महोदय दिखा दिया जाए, 30 सेकंड का टाइमर भी दे देना, ये देखेंगे आपको नरेशन से रिलेटेड है, देखूंगा कौन बच्चा बताएगा, चलो जल्दी बताओ, नरेशन से आपका रिलेटेड है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। गूगल नहीं करना, गूगल बिल्कुल भी नहीं करना, कितना वो बोल रहा है। अच्छा ऑब्वियसली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, मैं बता रहा हूं, ये लो मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूं, आपको पता रहेगा, ठीक है ना। शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिए। थॉमस आस्क्ड मी, डिड यू सी द फुटबॉल मैच बिटवीन ब्राजील एंड क्रोशिया ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें क्या, आपको बताना है इसमें इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये आपको देखते ही आपको पता चल गया कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस से है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता चलता है कि या तो वो यस नो होता है या वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, ठीक है ना गाइज, मैं आपको बताऊंगा ये, या तो वो यस नो होता है या वो डब्ल्यू एच होता है। अब डिड लिखा हुआ है पहले ऊपर उसमें क्वेश्चन में, तो इसका मतलब पता चल गया मुझे, या तो यस नो क्वेश्चन होगा, यस नो में या तो आपका इफ लेगा या आपका वेदर लेगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको तो पता होगा ना भाई, जो या तो आपका इफ लेगा या आपका वेदर लेगा। चंदन ने बोला है 80 का डी आंसर आएगा सर, बहुत बढ़िया आंसर है डी आंसर, इसका रिचा ने भी आंसर दिया है डी आंसर आएगा, क्यों देखियो जरा। डिड यू सी, यानी कि ये पास्ट, ये आपका अब पैसिव वॉइस नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं पैसिव वॉइस के केस में, जो आपका V2 है, जो आपका पास्ट टेंस होता है, जो आपका पास्ट इनडेफिनेट होता है गाइज, पास्ट इनडेफिनेट आपका चेंज हो जाता है किस में, वो आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। आई होप यू गॉट द पॉइंट, पास्ट इनडेफिनेट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर, हैड प्लस V3। अब आपने अपनी आई बोल टेक्निक लगाई तो आस्क्ड मी वेदर आई सॉ, ए जिंदगी में कभी ए आंसर तो हो ही नहीं सकता, आपने देखा क्यों, वहां पे तो सॉ लिखा हुआ है। आई हैड सीन बी में हो सकता है, लेकिन बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे अर्लियर नाइट आ गया, अरे अर्लियर नाइट तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, अर्लियर नाइट क्यों बनेगा, बी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड जो है डिड आई सी, सी नहीं बन सकता, क्यों, उसमें डिड आ गया, बात खत्म। वैसे यहां पर लास्ट नाइट की जगह होना चाहिए था प्रीवियस नाइट, अगर मैं बात करूं तो, समझ में आया ना, द प्रीवियस नाइट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, बैड अमंग द वर्स्ट में ले लूंगा इसको।
अगर आपको ये नरेशन का क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाइए कि सर हाँ समझ में आ गया है। हाँ जी सत्यजीत गुप्ता जी, ये बी आंसर क्यों बोल रहे हो आप, जरा मुझे बताइए आपने बी आंसर क्यों बोला। अर्ली का मतलब क्या होता है? नियर द बिगिनिंग होता है अर्ली का मतलब। गुगली बुगली नहीं है ये तो यार, डिस्कशन है, आपका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अरे मुझे बताइए, मैसेज ने डिलीट भी कर दिया उन्होंने तो बहुत जल्दी। गुगली जो है आप लोगों का कोई नहीं, कुछ नहीं है इसमें। आप ये देखिए, लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट नहीं होगा, दीप्ति सैनी ने बोला है, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ सत्यजीत गुप्ता ने थम्स अप कर दिया भाई। कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनको थोड़ा सा ना बातचीत जब तक अच्छी तरह समझ नहीं आए तो हाँ हाँ भरते नहीं है वो, ठीक है, तो फिर उन जैसों को थोड़ा सा थोड़ा और समझाना पड़ता है। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है बालको, बता दो कौन पी गए तम और क्या यार है, पता नहीं कहाँ है सारा हरियाणा। कई लोग तो सोचते हैं ना वेल कोई बात नहीं, वेल चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर महोदय जरा अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को, आगे देखते हैं भाई। रीअरेंज सेंटेंस, रीअरेंज करना है आपको, चलो आपको कुछ टाइम देता हूं, देखते हैं कंप्यूटर महोदय जरा देना इसको, जिन बच्चे देख रहे हैं देखते हैं क्या ये कर पाएंगे। जितने भी आपके टफ क्वेश्चन है ना वो सारे मैंने ले लिए हैं, ठीक है। हाँ जितने आपके टफ हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं, अब इनको ये भी आपको बताना पड़ेगा। आई होप यू गोट नाउ या मजा आ गया भाई। ये देखो ए के सिंह आए हैं। अरे रजत बोल रहा है सर आप सत्यजीत का नाम बहुत लेते हो। ऐसी बात नहीं है यार, वो क्वेश्चन वो पे डाउट कर रहा था इसलिए नाम नाम लिया है, ठीक है। मेले योगा मीन्स यूनियन, योगा का मतलब क्या है? यूनियन, यूनियन विद द सुप्रीम पावर विच इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन परफेक्शन डिस्ट्रक्शन। अपने आप में एक अलग से सेंटेंस आपको दिख रहा है, योगा मीन्स यूनियन। अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर के बाद आपका, अब यूनियन की बात हुई वहां पे, योगा में यूनियन, यूनियन विद द सुप्रीम इंटेलेक्ट। आर के बाद देखिए, आर के बाद आपका आर और क्यू का 100% आपका ये पेयर बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। चलिए हमारे पास अभी स्टूडेंट आ गया, जल्दी से इसको शेयर कर दो यार, इतने लाखों बच्चों ने टेस्ट दिया था। देखो आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो है ये डिस्कशन चलाया हुआ है, और पता नहीं आप लोग आज कहां मजे कर रहे हो, ठीक है। कम ऑन हरी, आप जल्दी कीजिए। ये देखिए, योगा मींस यूनियन, यूनियन विद द सुप्रीम पावर विच इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन परफेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। रजत कंबोज ने सबसे पहले आंसर दिया था, क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और आर के बाद आ गया क्या, क्यू आ गया आपका, फिर एक ही बात है बस, मुझे आगे देखना ही नहीं है। ये देखिए, आर के बाद आपका क्यू है, क्यू के बाद एस है, फिर पी है, बस बात खत्म, सी आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मैं पी की बात करूं तो पी कितना अच्छा एक एंडिंग सेंटेंस बना रहा है यहाँ पे। ये जो पी है ये अपने आप में एक एंड सेंटेंस है, ये एंड कर रहा है पूरे पैरे का, क्या, ह्यूमन इज अ स्मॉल यूनिवर्स, अपने आप में ह्यूमन जो है स्मॉल यूनिवर्स है, समझ में आया।
When the consciousness of this small universe unites with the energy prevailing in the vast canopy of the universe, the union is complete. और जब हमारी ये छोटी सी एनर्जी, ये वाला हम तो छोटे से पॉप अप हैं इस वर्ल्ड के अंदर, और ये हमारी एनर्जी जो है, ये हमारी एनर्जी जो है, ये आपके पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है, इस गॉड की एनर्जी के साथ जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये यूनियन बन जाती है, इसको योगा बोलते हैं. गॉट इट और नॉट? ये मॉक डिस्कशन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मॉक जो हुआ था उस मॉक डिस्कशन है. चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जरा बच्चों को दिखा दीजिए. चलिए आप मुझे बताइए एंटोनिम ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है. मैंने बहुत बार इस वर्ड को दिया हुआ है, इंटरेस्ट का मीनिंग मैंने बच्चों को दिया हुआ है, देखेंगे कौन कौन बताएगा. कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप. शाबाश. एंटोनिम बताना है आप लोगों को किसका. एंटोनिम बताना है आपको कन्फर, अलॉट. कन्फर करना क्या मतलब होता है? टू कन्फर, टू ग्रांट ए टाइटल, किसी को कोई टाइटल देना. अलॉट करना भी यही होता है, कुछ अलॉट करना किसी चीज को, किसी इंसान को कुछ चीज देना. एंटोनिम बताना इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब होता है टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आता है इंटरेस्ट. टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंटरेस्ट होता है. और इसका मतलब हो जाता है डी का, डी डेल्टा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये आपका आंसर हो जाएगा गेन से. गेन से का मतलब क्या होता है? डिनाई करना, DENY. वहां पे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेना, और या किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और डिनाई गेन से हो जाता है आपको मुकर जाना. ठीक है ना, ये आपका आंसर एंटोनिम बिल्कुल एकदम से बन गया. तो जो मोस्ट डिफिकल्ट था मैंने आप लोगों को वो ले लिया. ठीक है ना गाइज. आर्यन उपाध्याय बोल रहे हैं माई फर्स्ट क्लास, वेलकम आर्यन, आपका डा 247 फैमिली में स्वागत है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर महोदय. ये आप लोगों को बताना है आप क्या है. ये आपका है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, देखेंगे आप कौन कौन सा किसका कितना अच्छा वोकैबुलरी है, कौन कौन इसको बता पाएगा. आगे देखते हैं. इन एडिशन टू दिस रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ फंक्शनल टीथ इन ईच जॉ, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट मासूपियल्स, ये एक तरह का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैमल्स होता है ये, एक तरह के मासूपियल्स एनिमल का नाम है. ठीक है ना, मासूपियल्स कुछ और मत समझ लेना. पजेस डैश टूथ जर्म्स विच नेवर कट द गम. हाँ भाई, किसने दिया था ये बताओ जरा जल्दी. क्या किसी ने इसका आंसर दिया था कि नहीं दिया था? कहीं वो तो सर से ऊपर जा रहा होगा इंग्लिश में ये, और इसलिए इसका फायदा है गाइज, आपको बहुत फायदा मिलेगा. एक आप मॉक टेस्ट करते हो, ऊपर से आप उसी फिर अगले दिन उसका जो है आप लोग उसका सॉल्यूशन इन डिटेल सॉल्यूशन आप देख लेते हो, आपका कुछ काम अच्छा हो जाता है. ठीक है ना. तो इन एडिशन टू दिस रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ फंक्शनल टीथ, रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ फंक्शनल टीथ इन ईच जो, मार्सुपियल जो होते हैं पोजेस, दे पोजेस रूडिमेंट्री, ए इसका आंसर हो जाएगा. दे पोजेस रूडिमेंट्री टूथ जम्स. जम्स समझते हो ना, बैक्टीरिया जो होता है डिसीज को लाता है ये, लेकिन ये ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गम को कहीं कट नहीं करते. ठीक है ना, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं. मासूपियल्स रूडिमेंट्री. डिसकंसोलेट एक यहां पर वर्ड दिया हुआ है. डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड. ये एक वोकैबुलरी बुलेट आपको और यहां पर मिल गया. डिसकंसोलेट का मीनिंग क्या हो गया आपको? डिसअपॉइंटेड. बहुत बढ़िया, शाबाश. मासूपियल्स ग्रुप होता है, कंगारू उसकी ब्रीड है. ठीक है ना, ये एक ब्रीड होती है आपकी, एक मैकाला है ना, उस टाइप से भी आपकी कंगारू हो गया, ये आपके मासूपियल्स कहलाते हैं. ठीक है ना, क्लियर हो गया. रूडिमेंट्री फंडामेंटल बेसिक. जयता सरकार ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश. हेली चकमा ने भी आंसर दिया है. गॉट इट और नॉट बडीज? बहुत बढ़िया. अच्छा ये डिसकंसोलेट का जरा मीनिंग और बता दो यार. डिसकंसोलेट होता है डिसअपॉइंटेड. ये वोकैबुलरी बुलेट है, ये आप लोगों को मिस नहीं करना है. डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड. दिल्ली में किसी का 4 तारीख को एग्जाम है क्या, ये बताएगा कोई बच्चा मुझे अभी.
दिल्ली में 4 तारीख को एग्जाम है, तो कहां पे है, किस सेंटर पे, अगर किसी का है तो जल्दी से मुझे लिख के देगा एक बार। रिलक्टेंट होता है आपका अनविलिंग, इसको बोलते हैं रिलक्टेंट, ये रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, जिस आदमी की अनिच्छुक, जिसको बोलते हैं अनिच्छुक हिंदी में, अनिच्छुक, ये रिलक्टेंट होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, डिसअपॉइंट निराश, न्याय से नल, ठीक है ना, रह से राख, निराश। रिलक्टेंट क्या होता है? अनविलिंग होता है। आई होप यू गॉट नाउ, इल्यूसिडेट करना, क्लियर हो गया, क्लियर करना, ओके। अगला क्वेश्चन जरा आपकी आंखों के सामने जल्दी से कंप्यूटर मुझे दिखा दीजिए। कैट्स पॉ, बिल्ली का पंजा, 6 को है मिदा सर, प्रीति कुमारी का 6 को है भाई, और किसी का नहीं है क्या? दिलीप सिंह भी आ गए, उन्होंने बोला डिसकंसोलेट का मतलब सर डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत काफी लंबे समय से आज जो बच्चे 4 को, मेरा एके सिंह कहाँ पे है, एके सिंह ये जरा बताएंगे किस सेंटर पे है, कुछ नहीं हुआ वहां पे, आप टेंशन मत लो, वहां पे रेड पड़ने वाली है अड्डा 247 की, इसलिए बोल रहा था। रजत बोल रहे हैं सर आप तो हिंदी पढ़ाने लगे, नहीं चलिए, कैट्स पो का मतलब क्या होता है? कैट्स पो, बिल्ली का पंजा, ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, ओके, टू हैव अ नेचर ऑफ नॉट इजिली बींग एक्साइटेड, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट, अ ह्यूमन बींग विद नेचुरल लिमिटेशन, बी आंसर, बे ब्रेवो इज द आंसर, क्या बात है, ये सत्यजीत गुप्ता ने आंसर दिया है, टू हैव अ नेचर ऑफ नॉट इजिली बींग एक्साइटेड, ठीक है ना, ये आपका आंसर नहीं होगा। कैट्स पॉ का मतलब होता है ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ टूल, उसको कैट्स पॉ बोल देते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, वो बोल रहे हैं बी लगता है हमको, हमको लगता है तो गलत है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैट्स पॉ, ही इज अ कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब क्या होता है, ए पर्सन जो किसी डिसअपॉइंटेड टास्क के लिए किसी के द्वारा हायर किया जाता है, अगर मुझे कोई गलत काम करवाना है तो मैं कंप्यूटर जी को हायर कर लूंगा कि भाई जाओ और यहां पर तुम दीप्ति सैनी को उठा के ले आओ, समझ में आया, लखनऊ में है, समझ में आया ना, ऐसे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, वैसे बात कर रहा था, सेंटेंस बना रहा था बस, ठीक है ना, चलो आप ले आओ अश्विनी सिंह को उठा के ले आओ भाई, उसके नाम की सुपारी दे दूंगा मैं, ठीक है ना, वो ए सोच रहे हैं, ए ही आंसर है, डोंट वरी, इज इट क्लियर और नॉट, ये आपका चल जाएगा। डराने का काम तो नहीं है, खैर मैं तो इंजॉय करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ मिलके, अब देखो ना आपको देख नहीं सकता, एक कैमरा ही है मेरे पास, मैं और मेरी तन्हाई और मेरा कैमरा, अब बताओ कैसे फिर काम चलेगा, है ना, क्लास में होता था तो फिर तो वो रखता था। चलिए वेल, सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर, दीप्ति बोल रहे हैं ओके सर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जल्दी से जरा बच्चों को दिखा दिया जाए, क्या इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है, जल्दी से कर दीजिए, देखेंगे कौन करके दिखाएगा, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, दिस वॉज अ, ये जो बच्चे ने मेरे ये चारों वर्ड में से एक वर्ड मैंने बता रखा है, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता रखा है मैंने, ठीक है ना, अगर अगर होगा तो पता लगेगा किसी को, दिस वॉज अ पीस ऑफ डैश क्रूअल्टी फॉर द किंग, दो वे वर्ड एन एनवाइस हैड डन नथिंग टू जस्टिफाई एनी सच ट्रीटमेंट, जी आर ए टी यू आई टी ओ यू एस, कौन बच्चा इसको स्पेल कोई प्रोनाउंसिएशन बता देगा, समझ में आया, मजा आ जाएगा। अखिलेश यादव, डी 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 डी, ग्रेजुअल क्रूअल्टी, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया, अच्छा लगा मुझे कि मेरे मेरे इतने दिन में आप लोगों ने आंसर जो है अच्छा ए या बी में से, वेरी गुड, आज का आंसर जो है वो डी बिल्कुल नहीं है, ऐसे की तैसी तुम्हारी, क्या बात कर रहे हो यार, डी जो है वो बिल्कुल नहीं है, समझ में आया। अश्विनी सिंह ने बोला है ग्रेचुटिस का मतलब होता है डन विदाउट रीजन, ठीक है ना, बिना बात की वॉयलेंस, वी आई ओ एल ई एन सी ई, ग्रेचुटस, इसको बोलते हैं ग्रेचुटस, ग्रेचुटस, ग्रेचुटस,
डन विदाउट रीजन, बिना बात के, बिना बात का। ग्रेचुटस वॉयलेंस, समझ में आया ना, कहीं ऐसी मूवीज होती है बिना बात की लड़ाई दिखाई रहती है, उधर से उसने मार दिया, उसने मार दिया, कोई तुक नहीं बनता उनका, बिना बात के एक्शन दिखा देते हैं। इट वॉज अ ग्रेट, आ सारे मस्त हो गया सबका, है ना, अच्छा लगा ना, यही होता है ग्रेचुटस का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन। तो इस तरह की क्रुएल्टी जो है राजा ने दिखाई, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और वो एक अनवाइज ट्रीटमेंट है, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अश्विनी पक्का आपका स्टूडेंट है? अरे मेरे सारे स्टूडेंट हैं, बस ये है कि जो जो वोकैबुलरी पढ़ता है उसको वोकैबुलरी याद रहती है भाई, इसमें क्या। टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर में ग्रेचुइटस, हाँ ग्रेचुइटस, ग्रेचुइटस, 5-7 बार तो बोल दो इसको, 5-7 बार बोल दो, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये इसी का ही गलत दिखा रखा है। ग्रेजुएटेड ग्रेजुअल होगा नहीं आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, क्लियर हुआ ना, समझ में आया, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो जल्दी से यार फिर एक लाइक तो बनता है भाई, जितने देख रहे हैं। ए का मीनिंग ही कुछ नहीं है बच्चा, वर्ड ही नहीं है तो मीनिंग क्या होगा मिरांडा जी, जब कोई सेंटेंस कोई वर्ड नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा। वो ग्रेजुएटेड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मेरा यू कैन से क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर महोदय जरा एक बार अगला क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। गुरुजी कैसे हो बताओ, अभी सारा का सारा काम हो गया, अंकुर झा आए हैं, कैसे हो अंकुर झा, बा अजब, बा मुलायजा, होशियार, हमारे अंकुर झा महल में पधार रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय दिखा दीजिए, कंप्यूटर महोदय भी कहाँ चले गए भाई, चलिए जल्दी से आंसर बताओ इसका, क्या आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, जो डिफिकल्ट थे सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कौन बताएगा, कम ऑन हरी अप। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ एंड हैविंग अ जॉब वुड गिव हर द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर मॉडर्न अप्रोच टू बींग ए वाइफ एंड मदर, देखेंगे कौन बताएगा, जल्दी से हरी अप, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, हा 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 हा, अरे जल्दी से बताओ, रुचि कटारिया ने बोला सर ए आंसर होगा इसका, सत्यजीत ने बोला बी आंसर होगा, दिलीप ने बोला सी आंसर होगा, तो डी कोई भी बोल दो फिर, कोई एक ने बोला ए, एक ने बोला बी, एक ने बोला सी, जिसने बोला ए टू बींग ए वाइफ मोर मॉडर्न अप्रोच टू बींग ए वाइफ एंड मदर, ए मोर मॉडर्न अप्रोच टू बी ए वाइफ एंड मदर, टू के बाद अब मुझे बताओ ये वी वन प्लस आई एन जी कहां लगा रहे हो भाई, ये जो बी वाले हैं ना ये तुम सुधर जाओ, समझ में आया, और जो सी वाले हैं तुम सुधर जाओ, मॉडर्न ए मोर अप्रोच बींग ए वाइफ एंड मदर, ए मोर मॉडर्न अप्रोच टू बींग ए वाइफ एंड एंड मदर, ठीक है समझ में आया ना, बींग नहीं आएगा, ए देखो क्या है, टू बी ए वाइफ एंड मदर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक 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 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अप्रोच वहां पर आया हुआ है, अप्रोच, अप्रोच इज नाउन, जो नाउन होता है अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए एक आर्टिकल देना पड़ता है जो कि ए है। आई होप यू गॉट नाउ, इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं, आई होप यू गॉट नाउ, टू प्लस वी वन आता है, अश्विनी सिंह ने बोला है ना, आता है ना टू प्लस वी वन, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कंप्यूटर महोदय स्लाइड हटा दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जितना आप बच्चे हमसे करके जाओ, बाकी 4 जून में क्या बम फटेगा बता देंगे उसको भी, ठीक है ना गाइज, क्या बम फटने वाला है वो भी बता देंगे। आप लोग जो है पार्ट फॉर नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सत्यजीत, थैंक यू दिलीप, प्रीति, रजत, जैता, थैंक यू, ओके आप बस बच्चे बने रहिए, आ गए सर, अपूर्व मेहरोत्रा जी, अखिलेश जी, चंदन जी, जितने बच्चे भी मुझे अभी देख रहे हैं,
मंडे से फिर कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ एक बार आपका एग्जाम देखें, मैं भी देखना चाहता हूँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी है कि भाई 4 जून को कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाले, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी होगा मैं फायदे में रहूंगा। जो बच्चा वोकैबुलरी को करना चाहता है, वोकैबुलरी पे जिस बच्चे का फोकस है, एग्जाम उसी बच्चे का पास होगा। लिखवा लो, मेरे से लिख के दे देता हूँ, समझ में आया ना। तो 4 जून को लुधियाना में है रुचि कटारिया जी, लेकिन लुधियाना तो नहीं जा सकते, है ना। चलो हमेशा खुश रहो, वीकेंड आ गया है, थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना, है ना, मम्मी पापा की सेवा किया करो, ओके। आज पेरेंट्स डे भी है, हाँ, ऐसा कोई मेरे पास भी मैसेज आया था सुबह सुबह, पेरेंट्स डे है ना, तो वैसे ही अपने डेली पेरेंट्स डे बना लिया करो यार, अपने मम्मी पापा की हेल्प किया करो, उनके काम में छोटा मोटा उनसे प्यार किया करो, उनके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है, माँ बाप की सेवा किया करो, यही बस एक मेरी बात है, ओके, और कोई बात नहीं है। गुरुओं की बेशक मत किया करो, रहने दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बस हमारे साथ तो ऐसे ही हमारे लेक्चर देख लिया करो, इतना बहुत है, और थोड़ा बहुत इसको शेयर कर लिया करो, पापी पेट का सवाल है यार, समझा करो, ठीक है, समझ में आया, चलिए, ओके, तो थैंक यू सो मच, हाँ, सी यू देन, जय हिंद। सब्सक्राइब टू अड्डा 247 YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोज़।